हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी सीबीआई कोर्ट में हुए पेश लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के वी निवेश का मामला। उदयपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के वी निवेश के मामले में पूर्व केंद्रीय वी निवेश मंत्री अरुण शौरी बुधवार को सीबीआई कोर्ट में पेश हुए। शौरी ने खुद के और उनके पुराने मित्र पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह व पुत्र वधु चित्रा सिंह ने बतौर जमानतदार मुचलके पेश किए। इससे पहले गत 8 अक्टूबर को भारत होटल लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक ज्योत्सना सूरी, लाजान इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली के तत्कालीन प्रबंध निदेशक आशीष गुआ व कांतिलाल कर्म से सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे। शौरी इसलिए देरी से पेश हुए क्योंकि उनकी पत्नी और बेटे की तबीयत को देखते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें 15 अक्टूबर तक कभी भी पेश होने की छूट दी थी। मामले के अनुसार सीबीआई कोर्ट ने गत 15 सितंबर को प्रसंज्ञान लेते हुए सीबीआई कोर्ट की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था तथा 252 करोड़ रुपए के लक्ष्मी विलास पैलेस होटल को महज 7.50 करोड़ रुपए में बेचकर सरकार को 244 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, भारत होटल लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ज्योत्सना सूरी, पूर्व आईएएस अफसर प्रदीप बैजल, आशीष गुआ व कांतिलाल कर्मसे के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा इन सभी गिरफ्तारी वारंट से तलब भी किया था। शौरी मंगलवार को ही जोधपुर पहुंच गए थे, वे बुधवार को सीबीआई कोर्ट पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस नेता मानवेंद्र सिंह जसोल और उनकी पत्नी चित्रा भी थी। शौरी ने खुद 2 लाख का और मानवेंद्र व चित्रा ने 1-1 लाख रुपए के मुचलके पेश किए। सीबीआई कोर्ट में ये कार्रवाई पूरी करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। अब इस मामले में गुरुवार को ही अगली सुनवाई है। आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अरुण शौरी साहब ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपने व्यक्तिगत मुचलके मैं 2 जमानतियों के प्रस्तुत किए हैं। न्यायालय द्वारा उनको तस्दीक किया जाकर आगामी तारीख पेशी जो कल की पूर्व से नियत है उसी तारीख पेशी पर रखी गई है। कल माननीय उच्च न्यायालय में ये जो कॉग्निजेंस आदेश है उसके अगेंस्ट में रिविजन पिटिशन है वो भी पेंडिंग है, तो उसके निर्णय के बाद में ही आगे इस तरीके के समय सर आज क्या रहा, किस तरीके का आज अरुण शौरी साहब ने अपना व्यक्तिगत मुचलका जैसा कि मैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित था प्रस्तुत किया और 2 जमानतियों के साथ में न्यायालय द्वारा के समक्ष उपस्थित हुए, जिनको जिन डॉक्यूमेंट्स को न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर और वेरीफाई किया गया और उसके बाद में कल की जो तारीख पेशी पूर्व से नियत है वही तारीख पेशी नियत। कितने के किए सर? सर ये पर्सनल जो इनका जो व्यक्तिगत मुचलका था वो मुचलका 2 लाख रुपए का था और जमानतनामा जो था वो 1-1 लाख रुपए का। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शीमर की रिपोर्ट।